मंत्री जी, मेरी यही उम्मीद है कि माने मेरे पापा जी की बॉडी ग्राम पंचायत जाओ और जगह बाबो क्लेम है वो पहुँचाई जाओ। मेरी मम्मी जी की हालत देख लो, मैं आज 23 दिन यहीं बैठा हुआ, माने कोई मेरी सहायता कौन कर रहा और मारी जल्द से जल्द सहायता करे जा। कमाने के लिए मेरे पापा मिले, मैं सारी सरकार हूँ, दुबई की सरकार हूँ, भारत की सरकार हूँ, उम्मीद रखूँ तो मेरे पापा की डेड बॉडी मानो जरूर मिले। और मेरी मम्मी की हालत ही हल्की की बहुत भी बोल सकी, मैं कहना चाहूँ। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर ले भाई यूएई दुबई से रिलेटेड और ये टॉपिक रहेगा इंडिया के, बता दूं 30 लाख से ऊपर लोग यूएई में दुबई में रहते हैं। जी हाँ, जिसमें से 90% से ज्यादा लोग हैं ब्लू कॉलर यानी मजदूरी करने वाले, कंस्ट्रक्शन में लगभग कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बात करता हूँ। और आए दिन इंडियन लोगों की विदेशों में मौत होती रहती है, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में, और उनको कोई साथ संभाल करने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इंडियन एम्बेसी जरूर हेल्प कर देती है बॉडी को इंडिया तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां, बता दूं 20% तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 80% कंपनियां आपके खिलाफ जाती हैं। जी हाँ, उनका टारगेट होता है वीजा लगाए 2 साल, जितना इनको निकालना है इसको निकालो, और फिर अगर इसको कुछ हो गया तो इसको धक्का देके निकाल देंगे, कंपनियों का ये टारगेट होता है। लाइव एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। जी हाँ, राजस्थान के एक पन्ने सिंह नाम का एक बंदा था, राजस्थान मेरे पड़ोसी, वो कंपनी अल मुक्ता अल बस्ती कंपनी आपने सबने सुना ही होगा भाई, दुबई की भी की सबसे पुरानी कंपनी है, हजारों लाखों वर्कर इसमें काम करते थे पहले, अभी भी आज भी काम कर रहे हैं, काफी जगह इसकी ब्रांचेज हैं। इस कंपनी में पन्ने सिंह नाम का काफी टाइम से काम कर रहा था, अभी छुट्टी आने वाला था, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, घर पे फोन आता है कि भाई उनका कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई, हमें एक एनओसी दी जाए ताकि हम उसको वहीं का वहीं दफना सके। जी हाँ, हालांकि ये वीडियो में पिछली बार मैं बता चुका हूँ, आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ये टॉपिक पहले जान लेने चाहिए कौन सी टॉपिक होंगे, आपको हर उस इंसान को ये वीडियो काम आ सकता है, ये जानकारी आपके लिए, जो लोग चाहे आप इंडिया में बैठे हैं तो आपके घर वाले वहां पे बैठे हैं, 30 लाख से ज्यादा लोग इंडियन बैठे हैं दुबई में, यूएई में, और उसके 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन घर बैठे हैं, हर आदमी जो वहां बैठा है ना उसके ऊपर 5-7-10 आदमी यहाँ डिपेंडेंट है, वो कमा के पैसा भेजते हैं तब आपके घर का चूल्हा जलता है, ये जानकारी आपको जान लेना जरूरी है। मैंने एक पोल भी डाला था कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जानकारी चाहिए, आपको वीजा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, नीचे डाला दुबई यूएई लेबर लॉ, तो सबसे कम वोट उस पे आए, 20% लोगों ने कोशिश की कि भाई हमें दुबई लेबर लॉ के बारे में बताया जाए, बाकी आप लोगों को मतलब ही नहीं है दुबई लॉ, हालांकि आप जानते नहीं हो कुछ भी, लेकिन आप ये समझते हैं हमें ये किस काम का है, हमें तो जॉब चाहिए, तनख्वाह चाहिए, लेकिन भाई ये काम आता है आए दिन, मुझे नहीं लगता कि आए दिन इंडियन आदमी दुबई में नहीं मर रहा है, कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, बीमारी से, या कंपनियों में दुर्घटना की वजह से लोग मर जाते हैं। तो क्या कंपनी आपको क्या देती है, कंपनी तो ठेंगा दिखाती है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। पन्ने सिंह की आज 1 महीने से बॉडी पड़ी है वहां मोर्चरी में, वहां रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, कंपनी दबाव बना रही है घर वालों की, हमें एनओसी दे दो ताकि हम वहीं का वहीं उनको दफना दें। और कंपनी इसका बता क्या रही है, इसको कोविड की वजह से हम इंडिया इसकी बॉडी नहीं भेज सकते। जी हाँ, चलो कंपनी मान लेती है कि भाई कोविड की वजह से कंपनी इंडिया इसको नहीं भेज सकती है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि जब पन्ने सिंह की डेथ हुई थी उससे 1-2 घंटे पहले वो बंदा काम कर रहा था, क्या आज तक कोविड में ऐसा केस आया है कि मरने से 1-2 घंटे पहले वो काम कर रहा था? अरे मरने वाले बंदे को सांस नहीं आता है, उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, ऑक्सीजन पे पूरा ऑक्सीजन पे जीता है वो 5-7 दिन 10 दिन, जितने टाइम भी वो जीता है तब, समझ में आई ना बात। सेकंड बात, कंपनी बोलती है चलो इसको कोविड हो गया हम भी मान लेते हैं, लेकिन क्या कोविड उसको अकेले को ही हुआ, किसी के द्वारा तो लगा ना? लेबर कैंप में कंपनी के वर्कर कहां जाते हैं, कंपनी टू होम लेबर कैंप में, कैंप से कंपनी में, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वहीं से तो लगा होगा ना, वो लोगों की जांच करवाई, कंपनी कोई जांच नहीं करवाई, उसके साथ में रूम में भी लोग रहते होंगे 5-7, लेकिन कंपनी जांच क्यों करवाएगी भाई, नहीं करवाई। ये कुछ पॉइंट ऐसे निकल के मेरे सामने आए कि कहीं ना कहीं लगता है कि बंदे को कोविड नहीं था, लेकिन उसको कोविड का नाम देके वहीं का वहीं उसको अंतिम संस्कार, कंपनी की तैयारी चल रही थी कि उसको वहीं का वहीं दफना दें, लेकिन सोचना चाहिए कंपनी को कि ये अनपढ़ है पन्ने सिंह, ये खत्म हो गया, इसकी डेथ हो गई, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि इनके पीछे पूरा परिवार है, इंडियन लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े पदों जो कानून पढ़े हैं, जिनको नॉलेज है, वो ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। इंडिया में बॉडी आएगी, घर वाले उसका अंतिम संस्कार करेंगे, कंपनी आपकी चाहे कितनी बड़ी हो, आपकी चाहे कितनी सेटिंग हो, दुबई लेबर लॉ के सामने आप जीरो हैं। जी हाँ, मैं दुबई लेबर लॉ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, कि
एक्चुअली में होता क्या है, कई बार कंपनी आपको मुआवजे के लिए मना कर देती है। जैसे अभी इसकी बोटी तो इंडिया आएगी, नहीं आएगी तो कानूनी तरीके से हम ले लेंगे, वहां पे पुलिस केस होगा, कोर्ट में केस जाएगा, वो एक लंबा प्रोसेस चला जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन काम जेन्युइन होगा नो डाउट। लेकिन आपको ये सोच लेना चाहिए कि कंपनी कई बार बोटी भेज देती है लेकिन आपको मुआवजा नहीं देती, आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती, ठीक है, आपको बोनस क्यों नहीं देती भाई? कंपनी कई बार आपको अग्रीमेंट भी दिखा देती है कि हमारा कंपनी इसके साथ अग्रीमेंट हुआ था कि कंपनी साइड पे अगर आपकी मौत हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है या आपकी चोट लग जाती है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। बिल्कुल होती है, बता दो 1980 का जो लेबर लॉ बना 149 की धारा 9 नंबर 8 में ये बातें साफ साफ लिखी गई है कि कंपनी अपनी तरफ से कोई बोलती है कि हम चोट पे मुआवजा, चोट लगने पे या उसकी डेथ होने पे मुआवजा नहीं देंगे, बिल्कुल मुआवजा मिलता है। ये दुबई का लेबर लॉ 1980 बोलता है, साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं उसमें। आगे मैं बता देता हूं कि एक आदमी मान लीजिए कंपनी में काम कर रहा है, उसको उसका मुआवजा कैसे मिलेगा? आज उसकी डेथ हुई है तो 24 महीने का, यानी बंदा 24 महीने का उसका एग्रीमेंट होता है, अलग ही फ्री जोन में होता है, 36 महीने का होता है, लेकिन 24 महीने में जितनी उसकी सैलरी थी वो सैलरी पूरी मिलनी चाहिए। वो सैलरी 8,500 दुबई दराम से लेके 35,000 दुबई दराम तक हो सकती है। जी हाँ, यानी एक आदमी का मुआवजा नॉर्मल जितनी उसकी सैलरी होगी उसके बीच में होगी, 3.5 लाख इंडियन रुपए से लेके 7 लाख इंडियन रुपीज के बीच में उसका बोनस मिलता है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ, ये कंपनी को देना होगा। अगर कंपनी आराम से नहीं देती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो 7.5 तो जितना बोनस मिलता है वो वकील की फीस प्लस कोर्ट का प्लस एक्स्ट्रा से उसको जुर्माना देना पड़ता है। वो कंपनी को सबको भली बात इस बात का पता होना चाहिए, और पता सबको है लेकिन पता आपको नहीं होने की वजह से कंपनी आपका नाजायज फायदा उठा लेती है। जी हाँ, आज पन्ने सिंह की बॉडी को दुबई में 1 महीना हो चुका है लेकिन कंपनी फालतू डॉक्यूमेंट भेज रही है। मैंने भी डॉक्यूमेंट देखे हैं, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट में, अरे भाई पन्ने सिंह लावारिस थोड़ी था, रोड पे थोड़ी मरा था, वो कंपनी में मरा था ना, कहीं कोई डॉक्यूमेंट में अल बस्ती अल मुक्ता कोई कंपनी का नाम नहीं, एक जगह छोटा सा नाम आया। जबकि हर इंडिया में आपने देखा होगा भाई, मौत होती है तो पूरा रिकॉर्ड होता है ना, बंदा कहाँ का है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या इसके साथ डेथ हुई, ऐसा होता है ना, उसका कहीं कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट मैंने भी देखे हैं, क्यों नहीं नाम आ रहा है? एक पॉइंट। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, पन्ने सिंह कोविड की वजह से खत्म हो गया मान लिया, लेकिन क्या पन्ने सिंह मरने से पहले 2 घंटे पहले वो बंदा काम कर रहा था? आप अपने आप जो वीडियो लोग देख रहे हैं, क्या एक कोविड हुआ बंदा मरने से पहले 2 घंटे काम कर सकता है क्या? आज तक के रिपोर्ट में 1.5-2 लाख से करीब तो इंडियन में लोग मरे हैं, उसको तो ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है तब वो जिंदा रहता है, काम कर लेगा, उसका तो शरीर ऐसे करता है मतलब मरता है नहीं, बाकी उसमें कुछ नहीं बचता है, वो बंदा आराम से काम कर रहा था, सोचने की बात है। सेकंड, तीसरे नंबर की बात, चलो उसको फिर मान लेते उसको कोविड था, तो क्या कोविड कहां से मिला? उसके साथ ही उसके 5-7 रूम पार्टनर एक रूम में होते हैं ना, सबको पता है, क्या उसकी जांच करवाई गई? क्या उनमें से कोई बंदा कोविड पॉजिटिव नहीं निकला? सिर्फ एक यही कोरोना ऊपर से गिरा और उसके लग गया 1-2 घंटे में पन्ने सिंह खत्म हो गया। आपका कहने का, कंपनी का कहने का मतलब ये है ना, जबकि ये बातें सच नहीं है, सच तो दूसरा है जो छुपाया गया है। दुबई में सब होता है भाई 2 नंबर में, मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो आदमी मेडिकल अनफिट नहीं होता 1500 दराम 2 फीट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, सब होता है 2 नंबर में। ये कंपनियां आपको बेवकूफ बना देती हैं और आप बन जाते हैं भाई। आपके साथ किसी भी, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे इस कंपनी में हो, अल मुक्ता अल बस्ती बहुत बड़ी कंपनी, इसकी स्टार रेटिंग कुछ नहीं है, 3 पॉइंट है इसका स्टार रेटिंग, 5 स्टार मिलता है, आप सबको पता है ना, इसके 3 स्टार है, इसका सैलरी बेस 3 स्टार के ऊपर नहीं जा रहा है, उसका सेफ्टी बेस होता है ना सेफ्टी, उसमें 3 पॉइंट है, मैनेजमेंट 3 से भी कम है इसका, सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, इसका कल्चर का मैंने पूरा देखा, स्टार रेटिंग 3% है इस कंपनी की, इसका मतलब वर्करों की इस कंपनी में दुर्दशा है। मेरा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, आपका इस कंपनी में हो चाहे किसी के साथ, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कंपनी कर रही है, आपका बोनस नहीं दे रही, आपका अंतिम जो सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, या आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई, कंपनी ने आपका कंपनसेशन या फिर उसका मुआवजा नहीं दिया, तो ये बिल्कुल मिल सकता है। इसके लिए आपको कंपनी अगर आराम से नहीं माने तो लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। दुबई की सरकार बहुत अच्छी है, दुबई बहुत अच्छी है, वहां का लेबर लॉ बड़ा शानदार है। हाँ, कंपनियां चीटिंग करती हैं नो डाउट, चाहे आप कहीं चले जाओ, कंपनियां तो इंडिया में भी चीटिंग करेगी वहां पर भी करेगी, क्योंकि ये जितने बड़े होते हैं ना उतने ही इनका कलेजा बड़ा छोटा होता है। ये लोग मजदूरों को भी खून चूस चूस के अरबपति बने होते हैं, फिर भी बोलते हैं और चूस लो, मर गया तो इनको निकालो, वो तो भेजना ही नहीं चाहते बॉडी को। कितने इंडियन लोग इस 1 साल के दौरान वहीं का वहीं दफन हो गए, आपको बॉडी भी नसीब नहीं होती है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ फैल जाना चाहिए भाई, दुबई के अंदर
30 लाख से ज्यादा लोग दुबई में काम करते हैं, सबके सब पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है, सबको सब दुबई का लेबर लॉ का नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को 95% लोग मुझे जहां तक मालूम है ब्लू कॉलर जॉब काम करते हैं मजदूरी का, उनको कुछ नहीं पता, कंपनी जैसा बोल देती है वो साइन कर देते हैं, जबकि ऐसा साइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपनी अगर आपके पास साइन करा लेती है कि आप हमारे यहाँ ड्यूटी के दौरान आपकी मौत हो गई, हमारे आपके लग गई, तो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कंपनी को सब कुछ देना पड़ेगा जो दुबई लेबर लॉ में लिखा हुआ है। कंपनी को पूरा उसका मेडिकल चार्ज, अगर कंपनी डेड बॉडी बेचती है पूरा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छी कंपनियां घर तक का खर्चा देती हैं, याद रखना, मेरे पास एग्जांपल है लाइव, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो मैं दूंगा आपको लाइव, और आपको शर्म नहीं आती, आप तो पूरा खर्चा वहां का दे दो कोई मतलब नहीं है इसमें। कई कंपनियां ठीक है खर्चा नहीं देती है, उसकी डेड बॉडी भिजवाने का काम इंडियन एम्बेसी का होता है, फिर वो मैनेजमेंट उनको देना होता है, वो संभाल के इंडियन बॉडी वो एयरपोर्ट तक पहुंचाते हैं, एयरपोर्ट पे फिर अपने परिवार के बंदे गाड़ी लेके जाते हैं, एम्बुलेंस लेके जाते हैं, वो लेके आते हैं। अच्छी कंपनियां जिनके स्टार रेटिंग 4.5-5 पॉइंट है ना, उसमें देखना पूरा खर्चा कंपनी देगी, उसका मेडिकल चार्ज, हॉस्पिटल वहां का पूरा, दुबई का खर्चा, एयरपोर्ट तक आने का खर्चा, फिर दिल्ली से घर तक की किराया भी दो कंपनियों ने दिया है। मेरे गांव में बॉडी आई थी सऊदी से, पूरा खर्चा कंपनी ने दिया था। आप लेकिन ये कंपनियां ना नहीं देती भाई, इसका इलाज, लेकिन इलाज है इनका, लीगल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। और मैं चाहता हूं कि और भी अगर ये घटना किसी के साथ है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, या आप वहां अच्छे कोई लॉयर से कांटेक्ट करिए, वीए में इनका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि दुबई लेबर लॉ आपके पक्ष में, कंपनियों का कुछ नहीं बढ़ने वाला है। इन बातों का आप हमेशा ध्यान